you do that? ओ बॉय, चलिए रैम्पेज। रैम्पेज बहुत बहुत ज्यादा एपिक गेम। एंड अब हमारे ओल्ड आगे बॉय हमारे ने डर के आगे जॉनी जीते मोमेंट्स आए जॉनी हैं। या जॉनी डर के आगे जीते मोमेंट्स आए जरूर है। ओल्ड बॉय ने एंड में दूसरी आएगा आएगा बार, देखना आएगा। नहीं ओल्ड बॉय ने दूसरी बार एक ऐसा गेम प्ले दिखाया है जब उन्होंने अकेले एक एक पूरा पूरा गेम निकाला। आप सोचिए जी हाँ, इस बार अकेले तो नहीं बोलूंगा, इस बार मैटिक ने भी उनकी काफी ज्यादा सहायता की है। अगर जेजी डाउन नहीं होते ना, जेजी अगर मैटिक को डाउन कर देते दैट वुड हैव बीन इट, क्योंकि लास्ट टाइम अगर जब लास्ट टाइम भी टीम सीक्रेट के प्लेयर्स थे, इस बार तो टीम सीक्रेट नहीं थी। लास्ट टाइम जब टीम सीक्रेट के अगेंस्ट ओल्ड बॉय आए थे, दोनों प्लेयर्स के बीच में एंगल जो था वो ज्यादा वाइड नहीं था, जो वी फॉर्मेशन जैसा केतन उसको बोलते हैं वो ज्यादा वाइड नहीं था। इस बार बहुत वाइड था, उतने वाइड पे आप रीएडजस्ट नहीं कर सकते अपना। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज आपने काफी सही तरीके से बोली। जरूर ये फाइट्स हुई थी, आई स्टिल वांट टू सी दैट फाइनल मोमेंट, आई स्टिल वांट टू सी दैट फाइनल मोमेंट। उस मोमेंट में क्या चीज हुई थी, बिकॉज़ दैट वाज इनक्रेडिबल। नावी ने यहां से फाइट लेना शुरू किया था, जो अल्फा 7 के अगेंस्ट आपको याद होगा फाइट हो रही थी, एंड देन अच्छे ग्रेनेड पावर 888 के प्लेयर ने किए थे, ट्रिपल टी ने उनकी तरफ से आता है। यहां पर ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि नावी ये फाइट हार जाएगी। खैर ऐसा नहीं हुआ, नावी उन फ्यूअर एरियाज पर भी गए, वहां पर फुटबॉल इसने फाइट संभाली, उसके बाद अपने पीछे वाली टीम जो पावर ट्रिपलेट थी उनको भी दिक्कत दी, और फिर आगे की फाइट सीक्रेट जिन से फाइट ली। लाइक मैं दाद देना चाहूंगा इस टीम की, मैं दाद देना चाहूंगा ओल्ड बॉय की। बिटवीन द बैटल ग्राउंड जब ने ओल्ड बॉय का सारा जो उनके बारे में था सब कुछ सुना था, ही वॉज लाइक आई स्टिल रिमेम्बर, उन्होंने एक चीज बोले अपने इंट्रोडक्शन में, आई डोंट नो इफ पीपल नो मी और नॉट, बट माई नेम इज ओल्ड बॉय एंड नाउ पीपल नो हिम फॉर श्योर। लोग जान तो चुके होंगे, आई मीन बार बार अगर आप ऐसे गेम प्ले निकाले, बार बार आप निकाल के दे रहे हैं उन्हें, लोग डेफिनेटली ये देखिए पहचानेंगे। और ये ये देखिए देखिए